आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी का जन्मदिवस है, जो शहर में कई जगहों पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर मंत्री अमोल ठाकरे ने बीजेपी की ओर से किए जाने वाले सामाजिक कार्यों की जानकारी दी है। बीजेपी की ओर से यह सप्ताह सामाजिक कार्यों में व्यतीत करने का फैसला किया गया है, जिससे नितिन गडकरी के कार्य का सम्मान हो। बीजेपी की ओर से नितिन गडकरी को आगे भी ऐसे ही काम करते रहने के लिए शुभकामनाएं दी गई। नितिन गडकरी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी की ओर से नई पहल की गई है। भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर मंत्री अमोल ठाकरे ने दी हुई जानकारी के अनुसार नागपुर के डागा अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को फल वितरित किए गए। बीजेपी ने यह सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में व्यतीत करने का फैसला किया है। इस सप्ताह में कोई भी गडकरी को पुष्पगुच्छ नहीं देगा या कोई भी जन्मदिवस के बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगाएगा। इन सब में जो राशि बचेगी वो राशि सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी। इससे माननीय नितिन गडकरी के कार्य को उचित सम्मान मिलेगा। इस अवसर पर पिछले 15 दिनों से शहर में कई जगहों पर रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और अभी भी कई जगहों पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में मध्य नागपुर के आमदार विकास कुंभारे, किशोर जी, आदरणीय गिरीश व्यास, आदरणीय श्याम चांदेकर, जयप्रकाश गुप्ता भी उपस्थित थे। आज लोक नेता केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में डागा रुग्णालय में फल वितरण का कार्यक्रम भव्य रूप में किया गया। माननीय नितिन जी का जन्मदिन संपूर्ण नागपुर शहर में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विनकर आघाड़ी की ओर से डागा हॉस्पिटल के अंदर में फल वितरण का कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, इस आयोजन में हजारों जो डागा हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट है, उनके रिलेटिव है, उन तमाम लोगों को हमने फल वितरण करके माननीय नितिन जी के कार्य को, नितिन जी के जन्मदिन के ऊपर आने वाले समय पे उनके हाथों से और भी अच्छे काम हो। आज देश के नेता है। आज कौन सा कार्यक्रम है? आज हमने फल वितरण के कार्यक्रम के बाद में 5:30 बजे जागनाथ बुधवारी यहाँ भी एक कार्यक्रम का हमने आयोजन किया। मी अमोल ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर मंत्री म्हणून माझ्याकडे दायित्व आहे आणि विनकर आघाडीचं पालक दायित्व आहे। आज माननीय नितिनजी गडकरी हे आपले लोकनेता आहे, ह्या भारताचे भावी प्रधानमंत्री आहे, ह्या आधुनिक भारताचे विश्वकर्मा आहे। कितीतरी त्यांना उपाधी लोकांनी दिलेली आहे, रोडकरी, गडकरी असं त्यांचं नाव ठेवलेलं आहे। ह्या भारतातलं जेवढं आधुनिकता आपण पाहतो आहे ते नितिनजींच्या नेतृत्वात पूर्ण भारतामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि भारत सरकार काम करते आहे। त्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि हा वाढदिवस भारतीय जनता पार्टी नागपूर शहराने सेवा सप्ताह म्हणून साजरा करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला। त्याच्यामध्ये कुठेही गडकरींसाठी फुलगुच्छे घेऊन जाणार नाही, कोणी मोठा कार्यक्रम करणार नाही, कुठे हे आपण हे पाहतो आहे का मोठे मोठे होर्ड हाऊस हे सुद्धा लावायचे नाही। जो काही पैसा आहे, जो काही तुमच्याकडे आहे, तो जनसेवेसाठी लावायचं। त्याच्या याच्यामध्ये जसं आम्ही बघतो आहे की पूर्ण 15 दिवसापासून कुठे कुठे रक्तदान शिबिराचे कार्यक्रम झाले, कुठं दंत चिकित्सा कार्यक्रम झाले, कुठं कर्णयंत्राचे कार्यक्रम झाले, कुठं आयचे म्हणजे डोळ्याचे कार्यक्रम झाले। आम्ही असं सगळा पूर्ण नागपूर शहराचा कार्यक्रम करतो। त्याच्याच रूपामध्ये हा एक मोठा कार्यक्रम भारतीय आपली विनकर आघाडी तर्फे किशोरभाऊ उमरेडकर यांनी त्यांच्या सर्व टीमनी हा इथं आज हा आपले डागा रुग्णालयामध्ये आपण हा फळ वाटपाचा कार्यक्रम घेतला। हा सेवाच्या याच्यामध्ये हा कार्यक्रम येतो आहे, सेवा करायची आहे, लोकांची सेवा करायची असा नितीनजीचा स्पष्ट आदेश आहे आणि माझा वाढदिवस लोकांच्या सेवेस म्हणजे तुम्ही साजरा करा असं त्यांना सांगितलेलं, त्याचप्रमाणे आम्ही हा सगळा त्यांचा वाढदिवस लोकांच्या सेवेमध्ये आम्ही साजरा करतो आहे। आणि किशोरभाऊंनी आणि त्यांच्या टीमनी आज हा मोठा कार्यक्रम इथं ठेवला। ह्या कार्यक्रमाला किशोरभाऊ तसेच मध्य नागपुरातले आमदार विकासभाऊ कुंभारेसुद्धा होते, आदरणीय गिरीजी व्याससुद्धा होते, आदरणीय आपले श्यामभाऊ चांदेकरसुद्धा येऊन गेले, त्याच्यानंतर आपले जयप्रकाशजी गुप्तासुद्धा येऊन गेले आणि हे सर्व टीम आज आम्ही इथं उपस्थित आहोत। हजारो लोकांना, हजारो रुग्णांना आम्ही फळवाटप कार्यक्रम इथं केलेला आहे आणि पुन्हा सायंकाळी 5 वाजता भारतमाता चौकामध्ये एक मिठाई वाटपाचा कार्यक्रम आम्ही ठेवलेला आहे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।